लेके चल रहे हैं, कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक चलेंगे? ये मैंने कानपुर से शुरू किया था, कानपुर में 2.5 साल लगभग पढ़ा, और फिर मैं वहाँ मेरे बड़े भाई रहते हैं, वो टी असिस्टेंट हैं नर्सिंग, और वो हमें समझाते रहे कि आप सर्विस करिए, ये गरीब बच्चों को पढ़ाओगे तो क्या आप सरकार हो क्या, इतने बड़े हो, फैमिली में तो मेरी फैमिली नहीं है, मेरे पिताजी जो हैं वो मजदूरी करते थे, तो वो समझाते थे कुछ तो करो जो रुपया पैसा लाओ जिससे घर चले। और उधर बच्चों को जो हम पढ़ा रहे थे वो बच्चे बड़ा खुश थे, उनके करियर का मेटर था, और मैं सक्षम था पढ़ाने के लिए, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। ये साल दो साल मेटर चलता रहा, एक दिन गुस्सा आया तो मैंने फैमिली छोड़ करके हमें बात किया लखनऊ रेलवे स्टेशन पर 4 बार, और फिर वहीं हमने पढ़ाया, लोगों का प्यार मिला, फिर उसको काम ट्यूशन पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके फिर हम पैसा जो इकट्ठा करते थे उसमें हमारे कोई खर्चे नहीं थे, बहुत कम खर्चे थे, तो भाई उसी से कापी किताबें बच्चों की व्यवस्था जो कर सकते थे करते थे, नहीं कर पाते नहीं कर, लेकिन रेगुलर पढ़ाते थे। अब ये जो तो प्रोग्राम लेके तुम चले हो, ये पूरे प्रदेश में चलोगे, कहाँ तक जाना है ये? सर हमने अपना हमारा अपनी सोच है कि मैंने इतना काम किया, मेरे पास बहुत से रिकॉर्ड हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड हैं, तो हम क्यों ना, हम क्लास तो लगा नहीं सकते पूरे भारत पूरे देश में क्लास नहीं लगा सकते, ये हमें मालूम है मेरी एक क्षमता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम बच्चों को जागरूक करें, शिक्षा के महत्व को बताएं। तो सबसे बड़ी तो खुशी ये हमें मिली है कि हम लखनऊ से और इटावा आ चुके हैं, और यहाँ से करीब करीब लखनऊ से इटावा तक 150-200 लोग ऐसे तैयार हुए जिन्होंने संकल्प लिया कि हम कुछ न कुछ यहाँ एक पढ़ाएंगे बच्चों को, भले ही एक मतलब बच्चों की बजाय बच्चों के बजाय बड़ों ने प्रेरणा ले ली तुमसे, बड़ों ने ली और ये कहा कि हम आज से ही चालू करेंगे, हमारे बच्चे नहीं हैं तो हम पड़ोस के बच्चे पढ़ाएंगे और पढ़वाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे जरूर। शासन प्रशासन से कितनी मदद मिल रही है तुम्हें, कोई मदद मिल पाती है? अपनी साइकिल अकेली चल रही है तुम्हारी? सर हमारी साइकिल अकेली चल रही है, और मुझे भूखों भी रहना पड़ता है, हम जब लखनऊ से चले तो मात्र हमारे पास 500 रुपया थे, और मैंने संकल्प लिया कि पूरे प्रदेश के हर स्टेट में और देश के कोने कोने में घूमेंगे, और बगैर ही तैयारी किया मैं निकल दिया। अब मैं वहाँ से आज हमें 2 महीने से ज़्यादा हूँ, 12 जनवरी 11 बजे 2015 खाते कहाँ हो क्या रहते कहाँ हो? सर हमारे देश का ऐसा कल्चर है कहीं भी रुकते हैं तो खाना खाना पड़ता है, अगर ना खाइए तो वो फिर कहते हैं कि आप फिर हम रोकेंगे, तो खाना खिला देते हैं, कुछ ना कुछ खिलाते हैं तभी, और जैसे यहाँ पर खड़े हुए हैं हमें यहाँ कोई नहीं जानता है, और अभी हमने 2 घंटे में अपना घर बना लिया, ये पूरा मोहल्ला जानता है, ये पूरा मोहल्ला तैयार है, किसी भी घर में हम रह सकते हैं, मतलब पूरा समाज आपका अपना हो जाता है? जी जी जी, कहीं मात्र 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा समाज अपना गारंटी है, सब लोग कब ये सब अपने बच्चे हो गए। कितने साल से ये चल रहा है और कितने कब तक चलेगा? सर यात्रा के लिए तो मैं जो ये यात्रा कर रहा हूँ ये अभी 2 महीने करीब करीब हुए हैं, 2 महीने से कुछ दिन, आज 19 हो गई है, 12 जनवरी से नहीं, जैसा कि आपके उस पर लिखा है 20 वर्षों से आप निरंतर ये। मुझे सर 20 साल हो गए लखनऊ में पढ़ाते पढ़ाते, 95 से मैं लगातार डे नाइट यही कर रहा हूँ, और 3 साल मैंने कानपुर में पढ़ाया, तो वैसे तो हो गए 23 साल। लेकिन क्या लग रहा है अंतिम सांस तक यही रहेगा? सर मैंने तो ठान रखा है मेरा तो जीना मरना इसी में है, और जितने दुनिया में दुख होते हैं वो सब उठाए, इस काम के पीछे बहुत कुछ देखा, मान अपमान सब कुछ देखा, और बच्चों को इस अभियान का एक और भी है, अब जैसे हम लोगों से मिलेंगे तो वो अपने अपने विचार देंगे, हमें अकलमंद लोग मिलेंगे, हमें लोग कुछ रास्ता दिखाएंगे, तो ये भी एक फायदा हो सकता है कि अगर कोई कमी है तो वो लोग बताएंगे, उसको आप बदलेंगे? जी 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 बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, और हमें ज़रूरत है इस चीज़। लेकिन बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लगातार जारी है? ये तो सर ये तो जारी बिल्कुल रहेगा,
जब तक जिंदा है तब तक किसी के सुन। आज आप बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं, आपका शैक्षिक जीवन क्या रहा, कैसा रहा? मैंने जैसे तैसे अपनी BSc तक की और उसके बाद में मैंने यही सोचा, मैंने कभी किताबें नहीं खरीद पाई और जो भी पढ़ा मेहनत मजदूरी करके पढ़े, तो हम अपनी पढ़ाई नहीं जोड़ते हैं कि हमने अच्छी शिक्षा हासिल की, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि हमने मन भर के नहीं पढ़ पाया। लेकिन माँ तो समझ लिया पढ़ाई का, माँ तो समझ लिया, माँ तो इतना समझा कि मैं पूरा जीवन मैंने समर्पित कर दिया और लास्ट सांस तक ये करते रहे। थैंक्स, इनका रिकॉर्ड कर दिया इसमें मोबाइल में, तीनों लोग से राज होते हैं। अभी हम लोग कर देंगे, अपनी तस्वीर करा देंगे। ये जो हमारी तुम्हारी बात है ये तुम्हारे मोबाइल में भी रिकॉर्ड होगी, ये तुम्हारे पास रिकॉर्ड होगा, इतने चैनलों में ये तुम्हारे मोबाइल ये तो ये और हो जाता है, ये भी आ जाएगा, पूरा कर लेंगे, तो हमारा ये बहुत बड़ा बल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, बल भी बिल्कुल करेंगे हम, जितना कर सकते हैं। तो हमें क्यों चलाया तुम्हारी सुनकर, इसीलिए तो चलिए चलिए, कोई आदमी इतने लंबे उस पर निकला है तो हमारी जितनी मदद हो सकती है उतना हम करें। मेरा जो काम है वो तो मुझे करना है सर। जब कोई इस तरीके से बातें करता बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। नहीं हो